नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। गुरुवार की देर शाम बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप से मुलाकात की है। इन दोनों की मुलाकात की चर्चा काफी जोरों पर है। बताते चले आपको कि इन लोगों की मुलाकात को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मनीष कश्यप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बता दें आपको कि जैसे ही मनोज तिवारी मनीष कश्यप के घर पहुंचते हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाता है मनीष कश्यप के समर्थकों के द्वारा। इस दौरान मनोज तिवारी काफी भावुक नजर आते हैं और बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं कि मनीष कश्यप के साथ नाइंसाफी हुई है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के आईटी सेल ने मनीष कश्यप का काफी समर्थन किया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता है कि हम यहाँ मनीष कश्यप से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान बता दें आपको कि मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है वो अच्छा नहीं है। जनता की आवाज है मनीष कश्यप और इस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। इसी के साथ मनोज तिवारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको हम वो सुनवाते हैं। जगह जगह कई सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया, तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मनीष तुम अकेले नहीं हो। आपके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो दमन हुआ है, हम सभी उसके साथ खड़े हैं। और जो ऐसे दमन करने वाली सोच के लोग हैं उनको इसकी सजा मिलेगी। इस तरह से किसी पत्रकार की स्वतंत्रता, किसी सोच की स्वतंत्रता, जनता के लिए लड़ने वाले की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर उसके लिए कोई जेल देता है, एनएसए लगाता है, तो हम उसका विरोध करते हैं। और यही कहने के लिए हम गांव तक आए हैं। जब मनीष हमारे पास आए, दिल्ली पहुंचे थे, उसके पहले भी बोला था मैं आऊंगा गांव, लेकिन तब तक ये दिल्ली पहुंचे और इनसे मुलाकात की। हमारी जो भी वीडियो है, हमारी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको, हमारे सारे आईटी सोशल मीडिया के जो प्रमुख हैं उन्होंने ट्वीट किया, इंस्टा किया, यूट्यूब पे डाला है। और आज आने के बाद तो मेरा और भी थोड़ा सा मनीष का जो कद है और हमारी नज़र में बढ़ गया है। इस घर को देखने के बाद मनीष का एक और परिचय मिलता है और ये मुझे पता चला था कि ये घर कुर्की हुआ था, तो घर भी देखने का जो इच्छा था वो पूरा हुआ। और यहाँ आकर के जो तकलीफ झेला है मनीष ने वो भी पता चल रहा है। तो हमारी कोशिश यही थी कि एक बार हम इनके गांव चलें, इनके परिवार से मिले, माता जी से मिले। हम गांव के लोगों का प्यार देख रहे हैं और पूरा यहां से लेके, मैं दिल्ली से बनारस, बनारस से पटना, पटना से यहां, जगह जगह कई सैकड़ों लोगों ने स्वागत किया। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मनीष तुम अकेले नहीं हो। आपके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो दमन हुआ है, हम सभी उसके साथ खड़े हैं। और जो ऐसे दमन करने वाली सोच के लोग हैं उनको इसकी सजा मिलेगी। इस तरह से किसी पत्रकार की स्वतंत्रता, किसी सोच की स्वतंत्रता, जनता के लिए लड़ने वाले की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर उसके लिए कोई जेल देता है, एनएसए लगाता है, तो हम उसका विरोध करते हैं। और यही कहने के लिए हम गांव तक आए हैं। जब मनीष हमारे पास आए, दिल्ली पहुंचे थे, उसके पहले भी बोला था मैं आऊंगा गांव, लेकिन तब तक ये दिल्ली पहुंचे और इनसे मुलाकात की। हमारी जो भी वीडियो है, हमारी पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको, हमारे सारे आईटी सोशल मीडिया के जो प्रमुख हैं उन्होंने ट्वीट किया, इंस्टा किया, यूट्यूब पे डाला है। और आज आने के बाद तो मेरा और भी थोड़ा सा मनीष का जो
कद है और हमारी नज़र में बढ़ गया है। इतने गरीब घर से, इतने सामान्य परिवार से निकल के जनता की आवाज़ बनना कोई साधारण बात नहीं है। तो जनता की आवाज़ बनाने में आपकी पार्टी मदद करेगी 100%। मनोज जी, कभी किसी पत्रकार के लिए इतनी भीड़ आपने जीवन में कभी देखी थी? नहीं, आज देख रहा हूँ ना, और मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, मैं दिल्ली का सांसद हूँ, बिहार का एक बेटा हूँ, एक बिहार का बेटा, उसको इतनी पीड़ा हुई, तो इसके पीछे, हमारे आने के पीछे यही है ना कि ऐसा दोबारा ना हो किसी के साथ बिहार में। मनीष कश्यप के घर को देखकर काफी भावुक नजर आए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कहा कि आज जो इनकी घर की स्थिति है वो बिल्कुल सही नहीं है। एक और नई चीज मुझे देखने को मिली मनीष कश्यप के बारे में कि किस तरीके से वो रहते हैं और जो उनके साथ किया गया है वो गलत है। जो मनीष कश्यप के साथ हुआ है उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन भाजपा हर कदम पर मनीष कश्यप के साथ है। काफी साथ दिख रहे थे मनोज तिवारी और मनीष कश्यप, इस दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे मनोज तिवारी, सुन रहे थे आप। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब से उन्हें पता चला था कि मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्त हो गई है, उसी समय से उनकी इच्छा हो रही थी मनीष कश्यप का घर देखने का, और आज उनका यह इच्छा पूरा हो गया। इसको भी जाहिर करते हुए नजर आए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुन रहे थे आप। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।